हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित, जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी इंटर लेवल के लगभग सभी पोस्ट का मैंने जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो बना दिया है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो बना दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डेफिनेट रूप से देखिए, ताकि आपको आगे चल के पोस्ट प्रिफरेंस में, ठीक है, पोस्ट प्रिफरेंस में काफ़ी मदद मिलने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में सभी निम्न वर्गीय जितने भी लिपिक के पद हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। एक ही वीडियो में सारे चीज़ क्लियर होंगे, क्योंकि लोअर डिविजनल एलडीसी का ये जो पोस्ट है इसके जॉब प्रोफाइल क्या होने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जितने भी जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो है, खासकर बिहार एसएससी इंटर लेवल के पोस्ट का, वो डेफिनेट रूप से मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सभी निम्न वर्गीय लिपिक का पद। तो देखिए, सभी निम्न वर्गीय लिपिक, आप जितने भी निम्न वर्गीय लिपिक है, बिहार सरकार के अलग अलग विभागों से संबंधित है, ठीक है, एक ही विभाग में नहीं है। इसीलिए मैंने यहाँ अलग अलग विभागों की चर्चा की है। ऑर्गेनाइजेशन आपका जिस डिपार्टमेंट में आप लिपिक के रूप में आपकी नियुक्ति हो रही है, ठीक है, लिपिक के रूप में, तो उसी डिपार्टमेंट में आपका, उसी डिपार्टमेंट से आपका संबंध होगा। नियुक्ति इसकी बिहार एसएससी के माध्यम से हो रही है। कैडर आपका देख रहे हैं, ग्रुप जो है ग्रुप सी का पद है ये, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसमें आप देखेंगे कि ये जो आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका अलग अलग है। जिस डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति हो रही है वहीं आप अपना योगदान देंगे, और वही विभाग आपके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए भी आप जिम्मेदार होगा, आपके कंट्रोलिंग के लिए जिम्मेदार होगा। लेकिन जैसे ही आपकी पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाएगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाएगी, चाहे वो प्रखंड स्तर पर हो, ठीक है, या फिर अनुमंडल स्तर पर हो, या फिर जिला में हो, ठीक है, अनुमंडल में हो या फिर जिला में हो, वहाँ आपकी कंट्रोलिंग कौन करेंगे? डीएम साहब करेंगे। डीएम साहब चाहेंगे तो जिला भर में कहीं भी, किसी भी प्रखंड में, किसी भी अनुमंडल में, किसी भी मतलब जिला के कार्यालय में आपका ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसी में करेंगे जिस विभाग से आपका संबंध है, ठीक है। तो डेफिनेट रूप से आप ये देख लेंगे, और आपका जिस विभाग से संबंध है उसके बड़े पदाधिकारी भी आपको कंट्रोल करेगा। जैसे आप अनुमंडल लेवल पर होते हैं तो आपको एसडीएम साहब कंट्रोल करेंगे, अगर प्रखंड लेवल पे होते हैं तो बीडीओ साहब कंट्रोल करेंगे, अगर सीओ कार्यालय में होंगे तो डेफिनेट रूप से सीओ साहब कंट्रोल करेंगे। तो वैसे में आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे वहाँ के बड़े पदाधिकारी आपका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा वो आपका विभाग होगा, ठीक है। अब ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर ले, तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि आपकी पोस्टिंग प्रखंड स्तर, अनुमंडल कार्यालय, मतलब प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय और जिला कार्यालय, ये तीनों जगह में से कहीं भी आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, क्योंकि स्टेट लेवल का कैडर है तो पूरे बिहार में आपकी कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है, पूरे बिहार में आपका कहीं भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके ट्रांसफर पोस्टिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात हो गई। अब हम लोग सैलरी की बात कर लेते हैं। तो जितने भी एलडीसी का पोस्ट है, आप देखे होंगे कि जितने भी एलडीसी का पोस्ट है सबका लेवल टू सैलरी है। लेवल टू मतलब सेवंथ पे कमीशन के अनुसार ये लेवल टू हो गया, और सिक्स पे कमीशन के अनुसार इसको 1900 ग्रेड पे बोलते हैं, ठीक है। तो 1900 ग्रेड पे में आपकी बहाली होगी, अर्थात लेवल टू पे बैंड आपका जो हो जाएगा 19900 से 63200, ठीक है। आपकी बेसिक सैलरी जो हो जाएगी 19900 हो जाएगी। इस बेसिक सैलरी पर आपको डीआरएनएस अलाउंस मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, मेडिकल अलाउंस मिलेगा, और अदर अलाउंस बहुत जगह सिटी अलाउंस भी मिलता है, तो अदर अलाउंस जो बिहार सरकार या बिहार गवर्नमेंट निर्धारित करती है वो आपको मिलेगा। इस प्रकार से अगर सैलरी की बात कर ले तो अभी आप ज्वाइनिंग के समय लगभग 35000 के आसपास में आपकी सैलरी होने वाली है, ठीक है, कितना 35000 के आसपास में होने वाली है, और ये कट छट के आपको डिडक्शन के बाद आपकी सैलरी लगभग कितनी हो जाएगी, लगभग 32000 के आसपास में आपकी सैलरी आएगी, मतलब 35 से 35000 के आसपास में आपकी सैलरी इन हैंड आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों की पटना में नियुक्ति होगी, वहाँ आपको एचआर ज़्यादा मिलता है, बहुत लोगों की प्रखंड स्तर पर नियुक्ति होगी वहाँ एचआर कम मिलता है, बहुत लोगों का अनुमंडल लेवल पर होगा तो एचआर वहाँ भी कम होता है, तो ऐसे में आपका सैलरी भी वैरी करेगा, ठीक है, आपकी नियुक्ति के स्तर पर, ठीक है। मेडिकल अलाउंस सबको समान मिलेगा, डीआरएनएस अलाउंस सबको समान मिलेगा, ठीक है। जो लोग बड़े शहर में होंगे, खासकर सिटी अलाउंस जो है वो कहाँ मिलता है, सिटी अलाउंस मिलता है आपको नगर निगम वाले शहर में, ठीक है, नगर निगम वाले शहर में। तो जो लोग नगर निगम वाले शहरी क्षेत्र में होंगे उनको सिटी अलाउंस भी मिलेगा, तो वहाँ भी सैलरी वैरी करेगा, ठीक है। तो ये सैलरी हो गया। अगर प्रमोशन की बात कर ले तो निम्न वर्गीय लिपिक मतलब एलडीसी के पोस्ट पर आपका हो रहा है, ठीक है, एलडीसी के पोस्ट पर आपकी मूल कैटेगरी हो गया, और राजपत्रित पद होता है, बड़ी लिपिक के रूप में आपका होगा।
और उच्च वर्गीय लिपिक तभी आप बन पाएंगे जब आप ग्रेजुएट होंगे, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो उच्च वर्गीय लिपिक आप नहीं रह पाएंगे, यहीं पे सीनियर एलडीसी ही बन के रह जाएंगे, ठीक है। सीनियर एलडीसी ही बन के रह जाएंगे और आपको सैलरी में प्रमोशन मिलते रहेगा, ठीक है। मतलब एमएससीपी और एससीपी का लाभ आपको मिलते रहेगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं तो डेफिनेट रूप से आपको एलडीसी से यूडीसी में और यूडीसी के बाद भी प्रमोशन के काफ़ी स्कोप होते हैं अच्छे, ठीक है। हेड क्लर्क वगैरह के रूप में आपका पोस्टिंग हो सकता है, नाजिर वगैरह के रूप में आपकी पोस्टिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट नहीं हैं तो इन पदों पर आप नहीं जा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके फैसिलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो आवास की सुविधा बहुत कम जगह पे है, मतलब आवास आपको नहीं मिलेगा, इसके जगह पे आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। और जो लीव जो निर्धारित होता है बिहार सरकार के द्वारा, कहीं कहीं 12 है, कहीं कहीं 16 है, तो 12 से 16 जो भी निर्धारित होगा आपके कार्यालय में वो मिलेगा। अर्ली लीव आपको मिलेगा, मेडिकल लीव मिलेगा, ये सभी लीव की सुविधा आपको मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपका कार्य क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो प्रखंड कार्यालय में होगी तो प्रखंड स्तर पर आप काम करेंगे, अनुमंडल कार्यालय पर आपकी पोस्टिंग होगी तो अनुमंडल स्तर पर, जिला कार्यालय पर में आपकी पोस्टिंग होगी तो जिला कार्यालय में, मतलब आपका कार्य क्षेत्र होगा। काम की बात कर ले तो काम देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी नियुक्ति हो रही है, कनीय अन्वेषक नहीं होगा यहाँ, चूंकि इसमें एडिट किया गया है, तो ये कनीय अन्वेषक क्षेत्रीय अन्वेषक का ऑलरेडी मैंने जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियो डाला हुआ है। तो देखिए कार्ड जो आपको कौन कौन से सौंपे जाएंगे तो अलग अलग विभागों से संबंधित आपको लिपिकीय वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्लर्कियल, ठीक है, क्लर्कियल आपको काम जो है वो करना पड़ेगा। सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करना, लागू करना, उनके नियमों को लागू करना और वरीय पदाधिकारी को इन सरकारी योजनाओं में मतलब उसके क्रियान्वयन में आपको सहयोग करना होता है। समय समय पर आपको जो भी कार्य करते हैं आप उसका प्रतिवेदन या प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको वरीय पदाधिकारी या फिर आपके डिपार्टमेंट को प्रोवाइड कराना होता है। इसके अलावा वरीय पदाधिकारी या विभाग जो आपको कार्य सौंपती है उन सभी कार्यों को आपको करना पड़ता है, उन सभी दायित्वों को आपको निभाना होता है। इस प्रकार से कार्य भी आपके काफ़ी वेरिएशनपूर्ण होते हैं, कार्य भी काफ़ी चुनौतीपूर्ण होते हैं, कार्य भी काफ़ी, हालांकि प्रत्येक डिपार्टमेंट में लिपिकीय वर्ग में जो है वो वर्कलोड है, ठीक है। तो ये सभी आप सभी निम्न वर्गीय लिपिक पर लागू हो जाता है, ये सब जो आपने देखा है वो सभी निम्न वर्गीय जितने भी एलडीसी के पोस्ट हैं निम्न वर्गीय लिपिक उन सभी पर ये लागू हो जाता है। तो सभी निम्न वर्गीय लिपिक के जितने भी पद हैं आप सभी लोगों के लिए एक ही तरह का जॉब प्रोफाइल है, बशर्ते काम अलग अलग है, आपका विभाग अलग अलग है, लेकिन लगभग आपका जो सैलरी वगैरह का स्ट्रक्चर है या फिर जो भी कार्य है वो सब आप देख सकते हैं, सबका लगभग समान होता है दोस्तों। और अपडेट रहने के लिए आप हमारे वेबसाइट jshastak.in विजिट कर सकते हैं या फिर स्टोर jshastak.in विजिट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हमारे कोर्सेस भी चल रहे हैं हमारे मोबाइल ऐप पर PSSC किससे संबंधित जो मात्र 399 में उपलब्ध है, आप कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक।